Hello, my dear kids. Welcome back again with another chapter of our SST book by Brain Road series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. And today we are going to start chapter number 7. And the name of our chapter is Means of Transportation. बच्चों, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या तो हम बाय फुट जाते हैं अगर पास में है, अगर दूर जाते हैं तो हम टू व्हीलर, फोर व्हीलर या और ज्यादा दूर जाना होता है तो हम बस, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, बस, ट्रेन, बाइक, तो ये सब क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सम एंड सब्सटेंस, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ट्रेवल के बारे में, ट्रेवलिंग नियर एंड फार, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेनिफिट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स एंड स्पेशल व्हीकल्स के बारे में आप अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी, सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच रो। देखिए, यहाँ पे एक रो है, उसमें क्या है? फोर वर्ड्स है, लेकिन उसमें से एक वर्ड क्या है? ऑड है, तो आपको उस वर्ड को क्रॉस करना है। दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ। ट्रेवल, ट्रेवल क्या है? वी कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू डू मेनी थिंग्स, दिस इज नोन एज ट्रेवल। वी ट्रेवल, गो टू स्कूल, टू मीट फ्रेंड्स, टू गो शॉपिंग और टू वर्क। वी ऑल्सो ट्रेवल टू प्लेस फार अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग आर वेकेशन। हम एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं अपने काम के लिए, हम अपने स्कूल जाते हैं, फ्रेंड से मिलने, रिलेटिव से मिलने, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? ट्रेवल कहलाता है। और हम कई बार वेकेशन पे घर से दूर भी जाते हैं, ट्रेवलिंग नियर एंड फार। अब हम पास की ट्रेवलिंग और दूर की ट्रेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सम प्लेसेस आर नियर बाय, कुछ प्लेसेस घर के पास होती हैं, वहां पर हम पैदल जा सकते हैं। वी ऑफ्टन वॉक टू प्लेसेस इन आर नेबरहुड, घर के आसपास की जगहों पर हम पैदल जाते हैं, बट हम हर जगह पैदल नहीं जा सकते। कुछ प्लेसेस दूर होती हैं, वहां जाने के लिए हमें किसी ना किसी व्हीकल की हेल्प लेनी होती है। हम अलग अलग व्हीकल्स को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, वो कितनी दूरी पर है। सम व्हीकल्स आर स्लो, सम आर फास्ट एंड सम आर वेरी फास्ट, कुछ व्हीकल्स स्लो होते हैं, कुछ फास्ट और कुछ बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। First we will learn about slow vehicle. We use slow vehicle when we are traveling nearby places. Slow vehicle का use हम तब करते हैं जब हमें घर के पास ही कहीं जाना हो। Vehicle such as cycle, rickshaw, auto rickshaw, ये सब क्या है? Example है slow vehicles के। अब हम पढ़ेंगे fast vehicle. Fast vehicle वो vehicle होते हैं जो दूर की जगहों पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें ट्रेन, ट्रक, कार, शिप ये सब आते हैं। ट्रेन, कार, शिप ये सब क्या है? फास्ट है, फास्ट व्हीकल है। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का यूज हम तब करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा दूर पर जल्दी जाना हो। नाउ इंटरप्रिटेशन, वी ऑल्सो यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार, बाइक एंड हॉर्सेस इन स्पोर्ट्स। Now we will learn about means of transport. अब हम means of transport के बारे में पढ़ेंगे। Early human being did not use the modern means of transportation. आदि मानव modern means of transport का use नहीं करते थे। उन्होंने invent किया था किसका? Wheel का, पहिए का आविष्कार किया था, which led to the development of different means of transportation. पहिए के आविष्कार के बाद ही यातायात के साधनों का आविष्कार हुआ और ट्रांसपोर्ट से क्या हुआ? मूवमेंट हुई पीपल की। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, जिसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द मीन्स बाय विच वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को तीन उसमें बांटा गया है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। रोड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग विद इन अ सिटी और फ्रॉम वन सिटी टू अनदर।
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत समय पहले लोग पैदल चल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अब क्या हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो जमीन पर चलते हैं, लाइक बाइसिकल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार, बस, ये सब क्या है, बहुत इजी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। रिक्शा, ट्रक आर सम कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये सब क्या है, कॉमन मीन्स है लैंड ट्रांसपोर्ट के। ट्रेन आर अदर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, वो किस पर चलती है, ट्रैक्स पे चलती है, और ये क्या करती है, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, एक स्टेट से दूसरी जगह और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इन सम सिटीज देयर आर मेट्रो ट्रेन, दे आर वेरी फास्ट एंड दे कैरी पीपल फ्रॉम प्लेस टू अनदर विदिन द सिटी। दीज ट्रेन कैन रन थ्रू अंडरग्राउंड टनल टू ओवरग्राउंड ब्रिज। कुछ शहरों में आजकल क्या है, मेट्रो चली है, मेट्रो बहुत तेज चलती है, ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत थोड़े ही समय में पहुंचाती है। और मेट्रो कहाँ चलती है, अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर टनल में चलती है, और क्या कहाँ पर चलती है, ब्रिज पर, पुल पर भी चलती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट, अब हम उन साधनों के बारे में पढ़ेंगे जो हवा में उड़ते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मीन है ट्रांसपोर्ट का, लेकिन ये क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं इसमें। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये समय की बचत करता है। एरोप्लेन लोगों को और सामान को एक सिटी से दूसरी सिटी में और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाता है। हेलीकॉप्टर इज अनदर मीन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर भी एयर ट्रांसपोर्ट का एक दूसरा साधन है। दे हेल्प अस टू रीच रिमोट प्लेसेस इन द माउंटेन एंड फॉरेस्ट वेयर वी कैन नॉट रीच बाय रोड और वाटर। हेलीकॉप्टर का यूज हम माउंट और फॉरेस्ट की ऐसी जगहों पर जाने के लिए करते हैं जहां पर हम रोड या वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकते। Now we will learn about water transport, boat, ship, steamer, ये सब क्या है, ये पानी पर चलती हैं और ये लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। शिप बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत भारी मात्रा में सामान आता है और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। Now we will learn about benefit of means of transport. अब हम means of transport के benefit के बारे में पढ़ेंगे। The different means of transport help us in many way. They make traveling easy and comfortable. They help us stay in touch with people. They help us travel to different places around the world. Now we will learn about fuels for vehicle. जितने भी साधन हैं वो किससे चलते हैं, फ्यूल से, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी से। अब हम उन फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे व्हीकल्स चलते हैं। मोस्ट ऑफ द व्हीकल नीड फ्यूल टू मूव, बहुत से साधनों में, यातायात के साधनों में फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पेट्रोल, डीजल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीएनजी आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं जो व्हीकल्स में चलते हैं, कार, मोटरबोट, शिप, ट्रेन। एरोप्लेन्स में क्या होता है, स्पेशल काइंड का फ्यूल चलता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्पेशल व्हीकल, अब हम कुछ स्पेशल व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मेनी व्हीकल्स विच आर नॉट यूज एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत से ऐसे व्हीकल्स हैं जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं होते, जैसे फायर इंजन, एम्बुलेंस, कार। एम्बुलेंस कभी आपने ऐसी देखा है, किसी के घर में खड़ी है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एम्बुलेंस का यूज कर रहे हैं, फायर इंजन का यूज कर रहे हैं, नहीं, ये वो साधन है जो कभी कभी यूज होते हैं, डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं, जब कोई इमरजेंसी हो, अगर कहीं आग लगी है तो फायर इंजन का यूज होता है, जो फायर वर्कर्स होते हैं वो फायर इंजन लेके जाते हैं। एम्बुलेंस का यूज बीमार लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, और ये कब यूज होती है, जब कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना हो। कार्ट, घोड़ा गाड़ी, इन सम प्लेसेस वी सी वुडन कार्ट, कुछ जगहों पे हम लकड़ी की गाड़ी देखते हैं जो एनिमल्स चलाते हैं, लाइक बुल,
मतलब बैल, ऊंट, घोड़े और भैंस इन्हें चलाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कार्ट कहते हैं। ये भी क्या है, एक व्हीकल है जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। मोस्टली आपने गांव में या फिर कहीं आपने जहाँ पे ये बिल्डिंग मटेरियल का काम होता है, तो रोड़ी बदरपुर ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अ स्पेस क्राफ्ट इज अ स्पेशल व्हीकल। स्पेस क्राफ्ट एक स्पेशल व्हीकल है जो एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं कहाँ जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए। नाउ टाइम टू हैव लुक ओवर। Means of transportation are used for moving goods and people from one place to another. We can travel and transport goods by land, air and water. Scooter, motorcycle, cars, buses and trains are means of land transport. Boat, ship, etc. are means of water transport. Air transport is the fastest means of transport. Now time for estimation corner. First exercise है, choose the correct option. A dad sails in water. क्या है जो पानी पर चलती है, boat, car, truck, train. तो सही option है boat. Number two, dash transport is the fastest means of transport. कौन सा transport सबसे तेज में चलता है, वो है air transport. My dear student, number three and four you will do by yourself. Now exercise B, fill in the blank using help box. अब हमें खाली स्थानों को भरना है help box की help से. A dash is special vehicle used to travel space. अंतरिक्ष पर जाने के लिए कौन से special vehicle का use करते हैं, हम use करते हैं spacecraft का. SPACE space, CRAFT craft, spacecraft. Train moves on dash built on land. Train किस पे चलती है, ट्रेन चलती है ट्रैक पर, TRACK track. Number three, traveling became easier with the invention of, किसके आविष्कार से traveling easy बनी है, तो वो है wheel, WHEEL wheel. Dash train run inside the tunnel. कौन सी ट्रेन टनल्स के अंदर चलती है, वो है मेट्रो, METRO मेट्रो. नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. पीपल नीड ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर टू, टू मूव विद इन अ सिटी वी मोस्टली यूज एरोप्लेन. शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर थ्री एंड नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ. सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.